हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फुल बॉडी पॉलिशिंग एट होम। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो रूटीन जिसको आप फॉलो करके अपनी फुल बॉडी को पॉलिश कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना कोई पैसा खर्च किए। बहुत ही इजी है और बहुत ही अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल की क्या बात है, सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में ही अवेलेबल है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फेस्टिवल का सीजन है, बहुत सारे फेस्टिवल लाइनअप है और करवा चौथ भी आने वाला है। इसके अलावा वेडिंग का सीजन भी शुरू होने वाला है और अभी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप लोगों को अटेंड करने हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखना है। तो ये जो बॉडी पॉलिशिंग रूटीन है ये जरूर कीजिए ताकि आपकी जो स्किन है वो एकदम ग्लो करे। ये जो बॉडी पॉलिशिंग रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके फायदे बहुत ज्यादा है। अगर आप वैक्सिंग करवाते हैं और जैसे कि फेस्टिवल है, करवा चौथ आने वाला है, तो वैक्सिंग करवानी ही पड़ती है हम लोगों को। तो उसके बाद जो रेडनिंग हो जाती है या छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी सूद करेगा उनको, बहुत जल्दी उनको क्योर करेगा। इसके अलावा टैनिंग हो गई है आपको हैंड्स पे, लेग्स पे और मे भी आपको बैक पे, नेक पे भी टैनिंग हो गई है, उसको बहुत जल्दी ये दूर करेगा। आपको इसको वंस इन अ वीक यूज करना है। ये बहुत ज्यादा नरिश करेगा आपकी स्किन को और आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन कुछ बैकलेस पहनने का, स्लीवलेस पहनने का या फिर किसी शॉर्ट ड्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है और वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहती हूँ आपके सामने। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट टाइम है इस बॉडी पॉलिशिंग रूटीन को करने का, वो है शावर जाने से पहले। अगर आप मॉर्निंग में शावर जाने से पहले आपके पास टाइम है तो 10 टू 15 मिनट्स निकाल के इस रूटीन को कर सकते हैं, या फिर आप इवनिंग में भी शावर जाने से पहले इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, लास्ट में जब हम लोग पूरे बॉडी में उबटन लगाते हैं तो उसको वॉश करना बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आप ये रूटीन जो है ये अपने शावर जाने से पहले करते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो है उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा लूकवार्म वाटर। और आप किसी भी टावल को उस लूकवार्म वाटर में डिप करके अपनी पूरी बॉडी पे उसे अच्छे से वेट करिए, अपनी पूरी बॉडी को उस टावल की हेल्प से, ताकि जो लूकवार्म वाटर की वजह से टावल में जो हीट आई है उससे आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाए। अब हम देखेंगे कि इस बॉडी पॉलिशिंग के लिए हमें उबटन कैसे बनाना है। और ये जो उबटन है ये काम करेगा एज अ स्क्रब भी और एज अ पैक भी। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। और उसके बाद हम इस पैक पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, जो कि सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए और ये सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए परफेक्ट हैं। हमें इस उबटन को अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है। आपकी स्किन पे कोई बैक्टीरिया है, कोई इन्फेक्शन है तो ये इसको फटाफट से क्योर कर देगा। अब हम इस पैक में मिलाएंगे थोड़ा सा आमंड ऑयल। हमें 1 स्पून आमंड ऑयल इस पैक में डालना है। आमंड ऑयल में जो विटामिन होते हैं, जो नरिशमेंट होता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद इस फेस पैक में हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। हल्दी जो है ये टैनिंग को दूर करेगी और हमारे रंग को निखार देगी। और हल्दी में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हनी। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और जितनी भी ड्राइनेस की और डेड स्किन की प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। अब इस पैक को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उबटन को अच्छे से मिक्स करने के लिए हम इसको कच्चे दूध के साथ मिक्स करेंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो कच्चा दूध होता है वो भी स्किन को वाइट करने में और स्किन के कलर को एक शेड लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप जितना आपको कच्चा दूध चाहिए, जितनी आपको थिन कंसिस्टेंसी चाहिए इस पैक की, उतना कच्चा दूध इसमें मिक्स करें और पैक को अच्छे से मिक्स करें और इसमें कोई भी लम्प वगैरह नहीं रहना चाहिए। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल में थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है और मैंने इस टॉवल को इसमें डैम्प कर लिया है। और अब मैं इस टॉवल से अपने पूरी स्किन को वेट करूंगी। इस बॉडी पॉलिशिंग रूटीन को आप अपनी फुल बॉडी पे कर सकते हैं, इवन इसको आप अपने फेस पर भी कर सकते हैं। और टॉवल से डैम्प करने के बाद जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और बाकी के जो स्टेप्स हैं उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं अप्लाई करूंगी ये उबटन अपने बॉडी पर। और ये जो उबटन है ये काम करेगा एज अ एक्सफोलिएटर भी और एज अ मास्क भी। और आपको थोड़ा सा उबटन लेना है और उसको अपनी बॉडी पे इस तरह से लगाना है, लेकिन आपको लगाते वक्त उसको सर्कुलर मोशन में मूव जरूर करना है ताकि ये जो उपटन है ये आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट भी करे, आपके जितनी भी डेड स्किन है उसको रिमूव कर दे। और इसके अलावा इसमें जो बेसन है, हल्दी है, ये सब जो है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा निखार देंगे। आपकी जो टैनिंग है वो दूर हो जाएगी। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छी है हमारी स्किन के लिए। इनफैक्ट कच्चा दूध जो है वो आपकी स्किन को इवन टोन देगा। तो इसको इस तरह से आपको अपनी पूरी बॉडी पे लगाना है, हैंड्स पे, नेक पे, बैक पे, और उसका जो फिर इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इस उपटन को अपने फेस पे, और मैं हल्के हाथों से इस उपटन को अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये उपटन बहुत ही अच्छा है फेस के लिए और पूरी बॉडी के लिए, बट मैं इस उपटन को अपने फेस पे बिल्कुल भी रब नहीं करूँगी, सिर्फ अप्लाई करूँगी। और इस उपटन को रिमूव करते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे इसको निकालना है। और अब मैं सब उपटन को अपने हैंड्स पे लगा रही हूँ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस उपटन को अपनी फुल बॉडी पे अप्लाई कर लिया है, और अब मैं इसको 10 टू 15 मिनट तक सूखने तक वेट करूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ। सो गाइज, यू कैन सी मैंने फेस को वॉश कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है वो उसमें एक इवन टोन आ गया है। स्किन जो है वो बहुत ही नरिश लग रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो टैनिंग के मार्क्स थे वो काफी हद तक निकल चुके हैं और बहुत ही इवन टोन हो गया है मेरी स्किन का। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजेशन, और उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये वैसलीन का हेल्दी वाइट लाइटनिंग लोशन, क्योंकि ये जो लोशन है ये मेरी स्किन को लाइटन करता है। और इसके अलावा इसमें है विटामिन B3 एंड ट्रिपल सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है मेरी स्किन के लिए। सो गाइज, आप भी ट्राई कीजिए ये इजी बॉडी पॉलिशिंग रूटीन और मुझे बताइए कि कितना इफेक्टिव साबित हुआ आपके लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बात जरूर करें। मैं मिलती रहूंगी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। गाइज, बाय बाय।